स्टॉप डूइंग दिस ऑन फाइवर। 100% बच्चे अगर फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पे नए आ रहे हैं या फाइवर पे नए आ रहे हैं, तो उनमें से 90% बच्चा ये गलती कर रहा है, और पता नहीं क्यों कर रहा है, पता नहीं कौन इनको ये काम करना सिखा रहा है। कि जैसे ही वो अकाउंट बनाते हैं, जिस भी नीश के अंदर उन्होंने अकाउंट बनाया, उसी नीश को सर्च करते हैं, और उसमें जो टॉप पे लोग आ रहे होते हैं, उनको मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम्हारे पास 5 ऑर्डर इन क्यों हैं या 10 ऑर्डर इन क्यों हैं, तो तुम मुझे ये काम देना शुरू कर दो, मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ इस काम में। मेरे पास डेली ऐसे 5 से 6 बच्चे आते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, जनरली जो काम मांग रहे होते हैं, और वो सेम काम वो करते हैं जो मैं करता हूँ। अब मैं सेलर हूँ, मैं बायर नहीं हूँ, ठीक है। इन्हें बायर के पास जाना होता है, लेकिन ये आ जाते हैं सेलर्स के पास। तो ये बहुत बड़ी गलती है, जिसका एक बहुत बड़ा नुकसान आपके अकाउंट को हो सकता है, और बहुत सारे बच्चों को होता भी है। तो कुछ पहले तो मैं एग्जाम्पल्स दूंगा, जैसा कि ये मुझे जुलाई 29 को मैसेज आया, जी अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, आई नीड वर्क, कैन यू मी प्लीज़। अब मैंने फ़ौरन से ये मार्क स्पैम कर दिया। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा क्यों मार्क स्पैम किया। फिर एक और बच्चा है, जी हेलो सर, हाउ आर यू, दिस इज़ माई CV, मार्क स्पैम फ़ौरन। ये मेरी पॉलिसी है, मैं कोई भी मुझे इरेलीवेंट मैसेज इस तरह का आता है, मैं उसको फ़ौरन मार्क स्पैम कर देता हूँ। उसके अंदर थोड़ी सी मेरी लिमिटेशन भी है, वो भी बताता हूँ कि क्या मेरे लिए कैसे ये मुश्किल पैदा करते हैं। फिर ये कोई आया, जी बशकर सिंह, इसने कहा जी आई नीड जॉब, मैंने इसको फ़ौरन मार्क स्पैम कर दिया, ब्लॉक कर दिया। फिर ये कोई, जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम, उसने कहा जी आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर, आई एम न्यू इन फाइवर, डोंट वरी, आई नो ग्राफिक डिज़ाइनर फ्रॉम 4 ईयर्स, प्लीज़ टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। अब मैंने उसे कहा जी लुक फॉर बायर्स नॉट सेलर्स, मैं हेल्प देख नहीं रहा, तुम बायर्स के पास जाओ। फिर इस तरह को, यार जी हाय, मैंने कहा हाय, उसने कहा जी हाय नवीद, कैन यू सेंड मी वर्क सैम्पल्स, वी वर्क एज फ्रीलांसर्स। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से मेरा काम मांग के सैम्पल्स अपने पोर्टफोलियो में लगा देते हैं, ठीक है। ये भी बड़ा एक अजीब सा तरीका बच्चों ने पकड़ा हुआ है। फिर ये कोई, यार जी हेलो फ्रेंड्स, योर ग्राफिक डिज़ाइनर, योर पर्सनल क्रेडिट। अब ये मुझे पता नहीं इसने क्या मैसेज किया, मार्क स्पैम कर दिया मैंने। हाय हाउ आर यू, आई नीड दिस जॉब, लुक एट माई वर्क एंड गिव मी ए चांस। ये कोई पाकिस्तानी है अगैन। फिर ये हाय, मैंने कहा जी हाय, उसने आगे से कहा जी हाउ आर यू, मैंने कहा वेयर आर यू फ्रॉम, मैंने कहा आई एम गुड, एवरी डिटेल इज मैंशन ऑन माई प्रोफाइल, हाउ कैन आई हेल्प यू, उसने कहा कैन यू गिव मी वर्क, मैंने फॉरन मार्क का स्पैम कर दिया। फिर ये हाय आई एम मिर्जा अब्दुल्ला, आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, आई कैन वर्क अरा, ठीक है, आई विल ओनली गेट 5% ऑफ योर पेमेंट कमिटमेंट फ्रॉम योर क्लाइंट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। आगे ईमेल भी शेयर की हुई है भाई ने। इसी तरह हे नवीद, डू यू वॉन्ट हेल्प इन ग्राफिक डिज़ाइन प्रोजेक्ट, आई कैन हेल्प यू। मतलब द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं आपको ये मजीद डाल दूंगा, इसके स्क्रीन शॉट्स भी डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे जिनको मैं मार्क स्पैम नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुझे हाय का मैसेज करके गायब हो जाते हैं। अब मुझे पता होता है कि ये भी वो सेम बच्चा है जिसने काम मांगना है, ठीक है, लेकिन वो हाय का मैसेज करके गायब हो गया। मैं हाय वाले मैसेज को मार्क स्पैम नहीं कर सकता, फाइवर मुझे कहेगा कि भाई तुमने बिला वजह ही उसको मार्क स्पैम कर दिया। कुछ लोग कहते हैं जी हे डियर, आई एम एन एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर। अब मतलब मैं ये सारी स्क्रीनशॉट्स डालूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, मजीद आइडिया हो जाएगा। अब मकसद क्या है ये बताने का, मकसद ये है कि नंबर वन, अगर आप किसी बायर को मैसेज करते हैं और वो आपको मार्क स्पैम करता है, 2-3 लोगों ने मार्क स्पैम किया आपका अकाउंट ब्लॉक। जब फाइवर आपको ब्लॉक करता है, तो वो आपके अकाउंट को ब्लॉक नहीं करता, आपको ब्लॉक करता है। आप नया अकाउंट सेम आइडेंटिटी से बनाएंगे, जब भी फाइवर को पता चला ये सेम बंदा है जिसको हमने ब्लॉक किया था, इसने दोबारा अकाउंट बना लिया, वो उसको भी बैन कर देंगे। फिर आपको जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, भाई का अकाउंट बना लूँ, अंकल का अकाउंट बना लूँ, मम्मी का अकाउंट बना लूँ, विच इज़ रॉन्ग। आपको एक अकाउंट बनाया, उसको सीरियसनेस के साथ उसी को यूज़ करें। नंबर टू, जब आप मुझे मैसेज करते हैं कि मुझे काम दे दो, जबकि मेरे पास ऑलरेडी मेरी टीम है, मैं खुद काम ढूंढ रहा हूँ उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, मेरे पास काम आ रहा है, मैं अपनी टीम को दे रहा हूँ या खुद कर रहा हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे काम करके दें, मैं तो काम ढूंढ रहा हूँ खुद, मैं भी उस प्रोफाइल के ऊपर जो सेलर हूँ, मैं बायर तो नहीं हूँ। तो आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं, आपको मेरे पास नहीं आना चाहिए। इसका एक तो आपको नुकसान होता है कि मैं आपको मार्केट स्पैम करता हूँ, 2-3 लोग आपको मार्केट स्पैम करते हैं, आपकी अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। मुझे क्या नुकसान होता है कि मैं अगर आपके मैसेज को जल्दी रिप्लाई नहीं करता, अब इररिलेवेंट मैसेज है, मैं अगर रिप्लाई नहीं करूंगा, मेरा रिस्पॉन्स रेट लो होगा, ठीक है। अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा, रिप्लाई करूंगा लेकिन आप मुझे ऑब्वियसली काम नहीं देंगे, मैं आपके साथ चिट चैट करूंगा, वो चिट चैट करने से क्या होगा, मेरी कन्वर्जन गिरेगी। ये सेलर्स के लिए भी टिप है कि इस तरह के जो रिलेवेंट मैसेज करते हैं, इनको फॉरन मार्क का स्पैम करें, वरना आपका कन्वर्जन रेट गिर जाएगा। कि मतलब फाइवर समझेगा कि इसके पास एक पोटेंशियल बायर आया, इसने उससे काम ही नहीं लिया, एक बंदा आया, दो बंदे आए, पांच, अब पांच के पांच ही रिलेवेंट आ गया आपके पास आज, और अब पांच में से आपने एक से भी नहीं काम लिया, तो आपका 0% कन्वर्जन है, आपने कुछ कमाया ही नहीं है, सारा दिन का टाइम वेस्ट कर दिया आपने। तो इस वजह से मुझे भी नुकसान होता है, मेरा कन्वर्जन रेट गिरता है। अगर तो कोई साफ मैसेज, जैसे ही बच्चा कहता है कि भाई काम चाहिए, जॉब चाहिए, ठीक है, काम के लिए अवेलेबल हूँ, उसको तो मैं फॉरन मार्क स्पैम कर देता हूँ, उसका मेरी कन्वर्जन रेट पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बच्चा सिर्फ हाय का गायब हो जाता है, उसका तो मुझे नुकसान है। तो काइंडली ये ना करें, ना ये जुल्म एक्सपर्ट लोगों की प्रोफाइल्स के साथ करें। मैं सिर्फ अपनी प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा, हर कोई मेरा दोस्त जो फाइवर पे काम करता है, उसको डेली बेसिस पे इस तरह के लोगों के मैसेजेस आते हैं जो काम ढूंढ रहे होते हैं।
तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। हाँ, अगर आप इस तरह के लोगों को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं फॉर अ जॉब, तो मे बी सोशल मीडिया पर उन्हें मैसेज करें। फाइवर या अपवर्क का इनबॉक्स उनका इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू सेंड अ पर्सनल इंट्रोडक्शन के मुझे काम दे दो। तो ये एथिकल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, काइंडली शुरू से ही इसको अपनाएं। काम कैसे मिलता है कैसे नहीं मिलता, यूट्यूब भरा पड़ा है उसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे उसके ट्यूटोरियल्स पड़े हैं। मैं भी उसके ऊपर ट्यूटोरियल्स बनाने का प्लान कर रहा हूँ कि आप काम कैसे ढूंढ सकते हैं। लेकिन सेलर्स को मैसेज करना इज नॉट द राइट वे, फाइवर भी इनकरेज नहीं करता। जैसे ही आप पकड़े जाएंगे आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये तो कहना मैं भूल ही गया कि भाई अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। दोबारा से वीडियो बना रहे हो, शुक्रिया।